ऑक्सीजन बैंक की रोटरी क्लब चकियाने की शुरुआत। मोतिहारी के चकिया में अब अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है तो घबराने की बात नहीं है। शहर के पावर हाउस चौक हेलो जिंदगी हॉस्पिटल में शनिवार को ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक का उद्घाटन रोटरी क्लब के सौजन्य ने किया। SDM ब्रिजेश कुमार ने रोटरी क्लब ऑफ चकिया द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना करते हुए कहा, यह काम काफी सराहनीय है। अब चकिया अनुमंडल में किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होने पर तुरंत उपलब्ध कराया जा सकता है। क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन स्टैनली पिल्लई ने बताया कि इस बैंक से कोरोना मरीजों को मदद मिलेगी। यह चकिया वासियों के लिए एक सकारात्मक पहल है। इस काम में सारे रोटेरियन सदस्यों का सहयोग रहा है। इसके साथ ही हेलो जिंदगी हॉस्पिटल के डॉक्टर रोहित कुमार अपनी सेवाएं 24 घंटे देने को तैयार है। आज हम लोग रोटरी क्लब जो चकिया का है उसके सौजन्य से हेलो जिंदगी हॉस्पिटल जो है उसमें कोरोना पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो उसका जो रिफिलिंग रेट होता है उसी रेट पर किसी भी पेशेंट को उपलब्ध कराने का इन लोगों ने इंतजाम कर रखा है। उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से ये लोग किसी भी पेशेंट को देंगे जो कोरोना पॉजिटिव है। अगर उनको नीड है ऑक्सीजन की तो ये लोग सप्लाई करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को आप लोग मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार बढ़िया से करें ताकि लोग अवेयर हो सके, जानकारी हो सके कि चकिया में भी ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। और वो भी जो रेट अनाप शनाप रेट लोग लेते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराएंगे। तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि जो रोटरी क्लब के जो लोग हैं जिनका उद्देश्य है सामाजिक तौर पर लोगों को सहयोग प्रदान करना किसी भी प्रकार की। तो अभी कोरोना का ऐसा पीरियड चल रहा है जिसमें काफ़ी लोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका शिकार हो सकता है। तो जिनको अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वो निश्चित तौर पर हेलो जिंदगी हॉस्पिटल से संपर्क करें। हमारे रोटोरियन जो लोग हैं वो लोग उनको सहयोग करेंगे। जो हमारे यहाँ डॉक्टर अवेलेबल हैं वो लोग उनका सहयोग करेंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी रोटरी क्लब के सदस्य हैं और इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि इसको और अधिक मात्रा में प्रचारित और प्रसारित